हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, और मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये नागपंचमी की वीडियो है जो हम अपने ठाकुर जी को देखिए इस तरह से पूजा पाठ हुआ है मेरा, और इस तरह से भोग इनको इनके लिए बना है। तो आइए सबका पहले आप दर्शन कीजिए। हमारे यहाँ जब तक सावन में नागपंचमी नहीं हो जाती है, छानने वाला काम नहीं होता है, तो नागपंचमी के दिन ही दाल भरी पूड़ी, सादी पूड़ी, खीर और सब्जी, ये सब सारी चीज़ें बनते हैं। चना भी नहीं हमारे यहाँ बनता है, चना भी जब हमारे यहाँ नाग देवता का पूजा हो जाता है तब ही बनता है। आपके यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए नागपंचमी स्पेशल भोग है जो ठाकुर जी को भोग में लगाया गया है। सो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। पूरी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, जितना हम कर सकते हैं उतना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो देखिए नागपंचमी के दिन कुछ इस तरह से इनको भोग लगा है मेरे ठाकुर जी को। आलू परवल की सब्जी है और खीर है, दाल भरी पूड़ी और सादी पूड़ी बनती है हमारे यहाँ, और चना बनता है। चना मॉर्निंग में नाश्ते में हुआ था और आफ्टर में इस तरह से भोग बनता है। सो हमारे प्रभु जी ग्रहण कर रहे हैं, तो प्रभु जी तो ग्रहण कर चुके हैं। अब आइए आप लोग भी नागपंचमी का जो प्रसाद बना हुआ है आप लोग भी भोग लगा लीजिएगा, और दर्शन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी शेयर नहीं कर पाए, सॉरी इसके लिए। रेसिपी भी हम सोचते हैं करेंगे, लेकिन अभी जन्माष्टमी के बाद से आपको रेसिपी की भी वीडियो मिलेगी। अभी थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए आइए सभी बच्चों का दर्शन कीजिए। हमारे देखिए योगल सरकार, ये रहा उनका भोग। अब आइए छोटे बच्चों का भी दर्शन कराते हैं। तो देखिए इन्होंने तो नई ड्रेस पहन ली है, ये नया ड्रेस बनाए हम कि जन्माष्टमी में पहनेंगे। सब इनका रेडी हो रहा है, पर इनको पहनना था, ट्राई करना था, तो देखिए ट्राई कर लिए हैं। तो बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर ड्रेस बन के तैयार हुआ है जो हमारे ठाकुर जी नागपंचमी के दिन धारण किए हैं। श्रृंगार नहीं हुआ है इनका क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम था, बस स्नान कर नई ड्रेसेस पहन लिए हैं बच्चे लोग। तो देखिए हमारे बच्चे बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब ड्रेस देखिए कितना सुंदर हुआ है। अगर इस तरह का ड्रेस आप भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। दोनों नंबर हमारा व्हाट्सअप भी है और कॉलिंग भी है, आप दोनों नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए तीनों बच्चे छोटे वाले का भी दर्शन कर लीजिए। तो देखिए ये हमारे श्याम सुंदर और सुंदरी का भोग है जो ठाकुर जी को लगा हुआ है। ये हमारा उठाने के समय का वीडियो है, भोग लगाते समय हम नहीं दिखाए हैं आपको। ये जब 10 मिनट के लिए भोग हम रख देते हैं, उठाने आते उस समय हम वीडियो बनाए हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से नागपंचमी पूजा हुआ हमारे यहाँ। नाग देवता बनाया जाता है, दूध लावा और चने का छिड़काव होता है, तो इस तरह से नागपंचमी का पूजा होता है। सबसे पहले नाग देवता का पूजा हो जाता है, उसके बाद ही हमारे यहाँ गैस वगैरह जलाया जाता है। तो देखिए बच्चों का भोग की दर्शन कीजिए, आप लोग भी भोग ग्रहण करिएगा। भोग ग्रहण करके ज़रूर बताइएगा कि कमेंट में कि भोग कैसा लगा आपको। जो नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।